साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों माँ बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलीहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लंबर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है। यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा।